Hey guys, what's up यार, क्या हाल चाल आप सबके यार। आज भाई मैं सॉसेज मैन का गेम प्ले नहीं लाया हूँ, बल्कि यार आज सॉसेज मैन की मैं थोड़ी बहुत चीज़ें बताऊंगा इसमें कि यार आप लोगों को क्या चीज़ यूज़ करना चाहिए। और यार आप लोगों को अगर नहीं पता है सॉसेज मैन के बारे में, तो यार थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या क्या स्पेशल आइटम्स है जो यार बाकी गेम्स में नहीं है। तो यार अभी तो मैं स्टार्ट करूंगा, पहले ट्रेनिंग मोड में जाएंगे आप भाई, उधर ही आप लोगों को सब कुछ पता चलेगा, क्योंकि यार ट्रेनिंग मोड में सारे के सारे आइटम्स मिल जाएंगे जो इस बैटल रॉयल में आपको देखने को मिलेंगे आपके मैच के दौरान। तो यार आप लोगों को मुझे पता है काफ़ी बंदों को अभी नहीं पता होगा क्या क्या चीज़ें इसके बीच में, तो यार अभी सारी चीज़ें पता चल जाएगी आप लोगों को इस वीडियो में। तो चलते हैं यार ट्रेनिंग मोड की तरफ। यार जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये है इसका ट्रेनिंग मोड इस गेम का, और भाई काफ़ी एडवांस ट्रेनिंग मोड है। और यहाँ पर आप लोगों को अंदर आके देखने को मिलेगी गन्स, और यहाँ पे आपको स्कोप्स वगैरह, एक्सटेंडेड मैग्स वगैरह, यहाँ पे आपको लेवल 3 के बैग्स, मतलब सारे बैग्स, आर्मर, हेलमेट्स वगैरह मिल जाएंगे, और यहाँ ग्रेनेड्स वगैरह और भाई फायरबॉल्स वगैरह, और यहाँ पे आपको हेल्थ वगैरह जो एनर्जी ड्रिंक्स होती है वो मिलेगी, और ये भाई आपको शॉटगन्स वगैरह पता होगा यहाँ पे सारा कुछ होगा। और ये स्पेशल आइटम्स हैं, इनके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो यार अभी थोड़ा वेट करो। तो सबसे पहले तो मैंने आपको थोड़ा बहुत ये ट्रेनिंग मोड का दिखा दिया है, और अभी जब है यहाँ पे अब हम ट्रेनिंग करेंगे, और मैं आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, और जो आपको बैटल रॉयल में यूज़ भी होगी, तो ठीक है ना। तो चलो भाई सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यार ये जो यहाँ पे आप गन्स देख रहे हो, ये आपकी एनर्जी गन्स है, यहाँ पे आपको एनर्जी एमओ लगेगा इनको चलाने के लिए। और एक गन का नाम है AEMG, जो एक टाइप की ARE मान लो, और दूसरे का नाम है यार चार्ज कैनन, ये आपकी स्नाइपर कैटेगरी में आ जाती है, मतलब इसको आप लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इन एमोज के साथ में आपको एक पिंक कलर का और एक ब्लू कलर की चिप टाइप दिख रही होगी, तो यार ये चिप जो है ये एक एक्सटेंडेड मैग चिप है, और जो पिंक वाली है वो प्रिसीजन चिप है, मतलब वो आपकी एक्यूरेसी बढ़ाएगी, और जो ब्लू वाला है वो एक्सटेंडेड मैग है, मतलब वो आपके मैग को एक्सटेंड कर देगा। और ख़ास बात ये है कि ये दोनों चिप्स भाई स्नाइपर में भी लग सकती है और भाई AR में भी लग सकती है, तो यार आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा मत सोचना कि प्रिसीजन चिप सिर्फ स्नाइपर में लग सकती है या सिर्फ AR में लग सकती है, तो दोनों चिप्स को आप कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन ये सिर्फ एनर्जी वेपन्स के लिए है, ये बाकी वेपन्स में आप यूज़ नहीं कर सकते हो, तो उनके लिए अलग एक्सटेंडेड दिया गया हुआ है, ठीक है। अभी यार अगर हम थोड़ा आगे चले तो हमें यहाँ स्पेशल कैटेगरीज के वेपन भी मिलते हैं, जैसे कि रॉकेट लॉन्चर, तो यार इसमें आपको एमओ 7 दिया जाएगा, और भाई कुछ ऐसा इसका स्कोप होगा रॉकेट लॉन्चर का, तो अगर आपको ये मिलता है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, इससे आप कोई भी व्हीकल एक शॉट में फोड़ सकते हो। और यहाँ पर आपको एक रोबोट भी देखने को मिलेगा जिसका नाम मैका है, जो एक व्हीकल में भी टर्न हो सकता है, तो भाई उसके लिए आपको 2 शॉट्स लगेंगे नॉर्मल, और आप उस 2 शॉट्स में उस मैका को फोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको मिस्टीरियस प्लेस से मिलेगा मैका वगैरह, उसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे, तो पहले अभी तो वेपन्स के बारे में बात कर लेते हैं। यार बाकी सारी गन्स तो नॉर्मल ही है, मतलब सारी गन्स का समझ आ जाएगा, बट यहाँ पे एक और स्पेशल गन है जिसका नाम है भाई गैटलिंग गन, ये एक मशीन गन है भाई, इसका फायर रेट स्टार्टिंग में तो स्लो है, बट यार एक बार अगर स्टार्ट हो जाए तो भाई कम से कम भी 2-3 बंदे तो ले ही जाएगी भाई। इस गन में जो एमओ यूज होता है वो है 0.45 ACP, तो यार वो नॉर्मली आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, बट मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ इसको मत यूज करो, क्योंकि यार अगर आप लोग सोलो खेल रहे हो तो मत ही यूज करो, इसको बहुत टाइम लगता है भाई स्टार्ट होने में, तो यार अगर आप लोग स्क्वाड में खेल रहे हो तब आप भाई एकदम यूज करो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई अगर आप सोलोस खेल रहे हो तो यार इसको मत यूज करो भाई। अगर यहाँ पे आप लोग थोड़ा आगे चलो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक्सप्लोजिव बो, और भाई इसमें आपको गॉज वाले एमओ यूज होंगे, मतलब जो शॉटगन में एमओ यूज होते हैं वही सेम एमओ आप लोग यहाँ यूज कर सकते हो, और भाई अगर आप लोग ये चलाते हो तो भाई देख लेना एक बार कि भाई इसकी एक्यूरेसी इतनी नहीं है, लेकिन इसकी रेंज काफ़ी दूर तक है, और भाई अगर आपका एम अच्छा है तो भाई आप लोग ये यूज़ कर सकते हो, काफ़ी काम आ जाएगा आपके, और भाई मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अगर आपका एम अच्छा है, लेकिन भाई अगर आपका एम अच्छा नहीं है तो यार रहने दो, क्योंकि यार ये आपको बहुत दिक्कत देगा दूर के लिए भी और क्लोज के लिए भी, ठीक है। तो यार अगर आप लोग करना चाहते हो यूज़ एक बार ट्राई करें तो आप लोग कर सकते हो भाई, मज़ा आ जाएगा आपको, थोड़ा बहुत फील ही अलग होती है इसको चलाने की। तो यार अभी हम लोग चले अगर स्कोप वाले सेक्शन में, आपको यहाँ पे 15x तक का स्कोप देखने को मिलेगा, और भाई बाकी सारे एक्सटेंडेड मैग्स वगैरह, ग्रिप्स वगैरह आपको यहाँ पे इजीली देखने को मिलेंगे। और यार थोड़ा आगे चलो तो यार आपको लेवल 3 और लेवल 4 के बैग भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और भाई लेवल 4 का बैग जो है वो आपको यार ड्रॉप से मिलेगा, और लेवल 4 का आर्मर भी आपको ड्रॉप से ही मिलेगा, ठीक है। तो यार आप लोगों को ड्रॉप लेनी पड़ेगी अगर आप लोगों को लेवल 3 या लेवल 4 का आर्मर चाहिए। यार अभी मैं आप लोगों को यार ग्रेनेड्स के काम बताता हूँ यहाँ पे, मतलब यार ये जो आप ग्रेनेड्स देख रहे हो इनमें से ऐसे ग्रेनेड्स भी है जिनको आपको यूज़ नहीं करना आता होगा, और भाई आप लोग कभी कभी तो कंफ्यूज हो जाते होगे कि ग्रेनेड के साइन पे हम दबा रहे तो ग्रेनेड क्यों नहीं आ रहा, तो यार ग्रेनेड पे आप जब
क्लिक करोगे तो आपको साइड पे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ से आप लोग थ्रो कर सकते हो ग्रेनेड्स। किसी किसी को नहीं पता चलता भाई, स्टार्टिंग में झूठ क्यों बोलूँ, मुझे भी नहीं पता चला था और मैं भाई कन्फ्यूज़ हो गया था कि ग्रेनेड मारना कहाँ से है। और यार ये जो स्नो वाला ग्रेनेड आप देख रहे हो, जब आप इसको मारोगे तो यार मुझे लग रहा है एनिमी कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो जाएगा या वहीं फ्रीज होगा। वैसे अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया, बट आप लोग इसको यूज़ करके देख सकते हो। तो यार ये हमारा स्मोक ग्रेनेड इस गेम का, और भाई आप लोग मानोगे नहीं, ये स्मोक ग्रेनेड इतनी देर तक रह सकता है कि आप लोग रिवाइव भी हो सकते हो और अपनी दोनों गन्स को रीलोड कर सकते हो और उसके बाद एनिमी को मार भी सकते हो इसी स्मोक में। तो ये काफ़ी देर तक ये स्मोक रहता है और भाई ये काफ़ी एडवांटेज है इस गेम का। अभी यार बात करें इन तीन ग्रेनेड्स की, तो यार इसमें से ये जो दो ग्रेनेड्स आप लोगों को दिख रहे हैं, एक है हीलिंग ग्रेनेड, अगर आप इसको मारोगे तो भाई इस ग्रेनेड से आप लोग हील होगे। ये पहला ग्रेनेड है जो भाई डैमेज देने के बदले आपको हीलिंग देगा, मतलब आप लोग जब डैमेज हो और आपके पास हीलिंग ग्रेनेड है, आपके पास हीलिंग नहीं है सिर्फ ग्रेनेड है, ठीक है, तो ये आप लोग मार सकते हो अपने ऊपर और भाई ये आपको हीलिंग दे देगा और काफ़ी अच्छी हीलिंग दे देगा और जल्दी जल्दी हील हो जाओगे आप। और भाई ये जो दूसरा है ये स्मोक ग्रेनेड है और ये ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, बस ये पिंक है, पिंक कलर का स्मोक है और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा खास। और भाई ये जो आप लोग देख रहे हो ये जो ब्लॉक है, ये आपका बैरिकेड है, मतलब आप लोग जब इसको दबाओगे तो भाई आप लोगों के आगे एक शील्ड जैसी क्रिएट कर देगा, मतलब पत्थर की शील्ड क्रिएट कर लेगा और आप लोगों को कम डैमेज पड़ेगा और आप लोग हील कर सकते हो शील्ड के पीछे बैठ के। अभी गाइस जो आप लोगों को ये ब्लू कलर का ग्रेनेड दिख रहा है जिसपे कार्टूनिस्ट टाइप का कोई कैरेक्टर बना है, इसका नाम है वॉर्म होल ग्रेनेड। और ये क्या करता है कि आपका एक पोर्टल खोल देता है कि इस पोर्टल से आप दूसरे पोर्टल निकल सकते हो, मतलब अगर भाई यहाँ पे एनिमी हो गया, आपको यहाँ से उस जगह पे जाना है तो भाई आप लोग इजीली निकल सकते हो इस पोर्टल के थ्रू। या तो भाई अगर मौली वगैरह पड़ी हो नीचे तो आपको पार होना है तो भाई आप ये पोर्टल यूज़ कर सकते हो, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अभी गाइस जो आपको एक कैनन टाइप दिख रहा होगा, ये है हमारा टेलीपोर्ट ग्रेनेड। ये क्या करता है, इस ग्रेनेड को अगर आप यूज़ करोगे तो एक कैनन बनाएगा जिस कैनन में बैठ के आप एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो सकते हो, ठीक है। तो यार इसका ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको सामने इमेज से पता चल जाएगा कि ये कैनन वाला ग्रेनेड है और ये कैनन के काम आएगा। अभी ये गाइस फायरबॉल, ये बेसिकली एक मोलोटोव टाइप का ग्रेनेड है, मतलब अगर आप इसको किसी भी यूज़ करोगे एनिमी तो भाई ये मोलोटोव की तरह काम करेगा और भाई आराम से नॉक कर लेगा एनिमी को अगर वो वहीं खड़ा रहा या अगर किसी कैमरे में कैंप कर रहा होगा तो। अभी यार हमारी लास्ट की तीन आइटम्स बची है जिसका नाम है एक बोबो और एक है हुक और एक है भाई ब्लॉक। तो ये तीनों क्या करते हैं, जो भाई बोबो है वो एक टाइप का ट्रैम्पोलिन है जिसको आप यूज़ करके भाई एक जगह पे जंप करके दूसरी जगह पे पहुंच सकते हो, मतलब जैसे अगर ये वाली बिल्डिंग है ऐसी हाइट की बिल्डिंग है तो भाई आप वहाँ ईजिली पहुँच सकते हो। और जो भाई ब्लॉक का ये काम है कि भाई आप ब्लॉक को स्टेयर्स की तरह यूज़ कर सकते हो किसी भी छोटी आइटम के ऊपर। मान लो कि अगर आपके छत पर ड्रॉप गिर गई और आपके पास कोई हुक वगैरह नहीं है तो भाई आप वहाँ पर ब्लॉक यूज़ कर सकते हो और उनको स्टेयर्स की तरह बना के आप उस बिल्डिंग पे चढ़ के ड्रॉप लूट सकते हो। तो यार लास्ट बचा है हमारा हुक, भाई हुक को आप कहीं भी अटका सकते हो, ऐसे थ्रो कर सकते हो उसके ऊपर और एम कर सकते हो और भाई वहाँ जाके आपका हुक लगेगा और भाई आप लोग वहाँ चढ़ सकते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। और हुक की ज़्यादा रेंज नहीं है बट थोड़ी बहुत है रेंज, तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद देता है आपको। हुक आपको अच्छी हाइट दे देता है और भाई हाइट एडवांटेज बहुत होता है बैटल रॉयल गेम्स में। तो यार हीलिंग सिस्टम के ऊपर आते हैं इसके, तो भाई हीलिंग सिस्टम मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा, भाई सारे कॉमन हीलिंग सिस्टम्स हैं, बट जो स्पेशल हीलिंग सिस्टम्स हैं उनके बारे में आपको ज़रूर मैं बताऊंगा। तो यार ये जो एनर्जी ड्रिंक है इसका नाम है टेलीपोर्ट कैप्सूल और भाई ये क्या काम करता है, या आपको जिस जगह पर आप हो उस जगह से आपको टेलीपोर्ट करके हवा में उड़ा देता है, ठीक है। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है और मैंने इसको बहुत बार यूज़ किया, जब भी कभी एनिमी मेरे को गलती से डैमेज दे देता है तो मैं इसको यूज़ करके कहीं हाइट पर चले जाता हूँ और भाई आराम से हील मार के एनिमी के पास वापस आ जाता हूँ। और यार आप लोगों को इस गेम में एक मशरूम देखने को मिलेगा जिसका नाम है यार कोलोसल मशरूम, और यार ये आपको कहीं ग्रास पे पड़ा हुआ मिलेगा और अगर आप इसको खाओगे तो यार ये आपको एक 100 HP एक्स्ट्रा दे देगा, मतलब आपको कुछ सेकंड्स के लिए थोड़ी बहुत HP ज़्यादा मिल जाएगी और थोड़े बड़े हो जाओगे आप। मगर यार आप लोग इस स्टेट में आपको एक डिसएडवांटेज है कि आप लोग गाड़ी भी नहीं यूज़ कर सकते हो, कोई व्हीकल नहीं यूज़ कर सकते इस स्टेज में, ठीक है। और भाई लेकिन इतना है कि जब आप एनिमी से फाइट ले रहे हो तो भाई आपके पास थोड़ी सी HP ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दूसरे एनिमी के। अब यार हम लोग बात करते हैं इस गेम की मेन चीज़ के ऊपर जो है इस गेम के कार्ड्स। तो यार आप लोगों को यहाँ पे दो कार्ड्स देखने को मिलेंगे, एक कार्ड है ब्लू कलर का, एक कार्ड है पिंक कलर का। तो जो ब्लू कलर वाला कार्ड है उसका नाम है शैडो वॉरियर लेजेंड कार्ड और भाई जो दूसरा पिंक कलर का कार्ड है उसका नाम है स्वीट हार्ट लेजेंड कार्ड। तो यार ये दोनों लेजेंडरी कार्ड्स हैं और ये आपको गेम में देखने को मिलेंगे। अब भाई आप लोगों को चूज़ करना है कि आप लोग कौन सा कार्ड यूज़ करोगे। एक जो कार्ड है भाई उसकी एबिलिटी होगी कि आप लोग इससे हुक निकाल सकते हो और भाई आप लोग अपने दो डिकॉय निकाल सकते हो, मतलब दो डुप्लीकेट्स निकाल सकते हो, ठीक है, और वो डुप्लीकेट्स आपके एनिमी को भाई डिस्टर्ब करेंगे, मतलब डिस्ट्रैक्ट कर देंगे और आप लोगों को पता नहीं, उनको पता नहीं चलेगा कि आप में से असली कौन है, ठीक है। और भाई जो दूसरा कार्ड है वो आपको भाई एक्स्ट्रा हेल्थ देगा और भाई आपके टीममेट को जल्दी रिवाइव करने में हेल्प करेगा। तो यार ये दो कार्ड्स में से आप लोगों को चूज़ करना है कि आप लोग कौन सा लेने वाले हो।
गाइज यार अगर इस गेम की व्हीकल की बात करें तो भाई आपको एक पोनी देखने को मिलेगा इसमें व्हीकल के तौर पे, भाई जीप देखने को मिलेगी, बग्गी देखने को मिलेगी और भाई यूएफओ देखने को मिलेगा। और यार यहाँ पे आपको ड्रैगन देखने को मिलेगा भाई, वो एक व्हीकल ही है टाइप का और भाई उसकी काफ़ी हाइट एडवांटेज है, वो ऊपर उड़ सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसी तरह से भाई यूएफओ भी उतनी हाइट पे उड़ सकता है, मतलब ज़्यादा ऊपर भी नहीं उड़ सकता, मतलब यूएफओ तो इसका मतलब ये नहीं कि स्पेस में ही चला रहा है भाई, इनकी एक हाइट है। तो भाई ये आपको व्हीकल जो मिलेंगे ये भाई मिस्टीरियस प्लेस से मिलेंगे, वहाँ पे अगर आप मैप खोल के देखोगे तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप होगा, ये आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा इनको लेने के लिए, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि सिर्फ आप ही नहीं हो इनको लेने के लिए, वहाँ पे एनिमीज़ भी होंगे लेने के लिए इनको, ठीक है। तो ये आपको वहाँ से मिलेगा। और भाई एक और चीज़ है जो आपको मिस्टीरियस प्लेस देखने को मिलेगा वो है यार मैका। और भाई ये मैका एक रोबोट में भी कन्वर्ट हो सकता है और व्हीकल में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो यार इस चीज़ के काफ़ी एडवांटेज है। और भाई अगर आपको मैका दिखता है तो भाई उसको दूर से ही मारने की कोशिश करो, पास बिल्कुल भी मत जाना वरना आपको पेल देगा। और भाई अगर आपके पास रॉकेट लॉन्चर है तो यार आप लोग उसको 3 शॉट्स में ईजिली ख़त्म कर सकते हो, तो यार आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका निशाना कैसा है, ठीक है। अभी यार स्पेशल आइटम्स की बात करें तो यार एक और स्पेशल आइटम है जो मैंने लास्ट में रखा, क्योंकि यार लास्ट में ही आपको समझाना सही था। तो यार इसका नाम है होलो डिकॉय। और भाई इसका ये काम है कि जब आपको कोई एनिमी नॉक करेगा तो भाई आपके जैसे 3 बेबीज ऐसे भाग रहे होंगे, मतलब आपको अगर वो नॉक कर देता है तो भाई आप उसको फिनिश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो भाई जब तक पहचाने तब तक भाई आप लोग अपने टीममेट के पास पहुंच सकते हो और भाई अपना टीममेट आपको कैरी कर सकता है और कहीं पीछे जाके आपको रिवाइव दे सकता है, तब तक वो आपके होलो डिकॉय को ही मार रहा होगा। तो यार ये काफ़ी सही चीज़ है। और भाई एक चीज़ याद रखना, जब आप कोई एक आइटम यूज़ कर रहे हो तो भाई अगर आप लोग वो कोई और यूज़ करना चाहते हो, मतलब अगर इस गेम में गिली सूट भी है तो अगर आपको गिली सूट उठाना है तो भाई आपको होलो डिकॉय छोड़ना पड़ेगा, ऐसा है इसमें सीन, ठीक है। और भाई अगर आप लोग लेजेंडरी कार्ड यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम पे आप लोग ग्रेनेड्स वगैरह नहीं यूज़ कर सकते हो, ग्रेनेड्स वगैरह आप तभी यूज़ कर सकते हो जब भाई आपके पास लेजेंडरी कार्ड नहीं होगा, तो यार ये चीज़ का आप लोग खास ध्यान रखना। तो यार मैंने उस सारी ज़रूरत की आइटम्स आपको बताई जो इस चीज़ में आपको जानना चाहिए, और जो नहीं जानना चाहिए वो यार मैंने बताया नहीं, कवर नहीं किया, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है तो यार आप लोग बता सकते हो वो चीज़, ताकि भाई बाकियों को कोई दिक्कत ना हो और उनको भाई पता चल जाए। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही यार, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो यार जरूर से लाइक कर देना यार, और यार अगर कोई नया बंदा देख रहा है और भाई इसके गेम प्लेस आप लोगों को पसंद आते हैं तो यार जरूर से चैनल सब्सक्राइब कर देना, मैं इसके गेम प्ले डालता रहता हूँ, ठीक है। तो यार मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक प्यारा सा गुड बाय।